अब अगर आप मुख्यमंत्री की आलोचना करने की सोच रहे हैं तो खामोशी अख्तियार कर लीजिए। चाहे आप सामान्य नागरिक हैं या फिर राजनेता, आपके आलोचना के अधिकार को खुलेआम छीना जा रहा है। लोकतंत्र में कुछ मुख्यमंत्री तानाशाह की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अपने राज्य की पुलिस को ये पर्सनल आर्मी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। ना तो इन्हें अदालतों का भय है और ना ही नियम कानूनों की परवाह। तो आइए आज हम आपको देश के नए नए तानाशाह बने मुख्यमंत्रियों से न सिर्फ रूबरू करवाएंगे बल्कि इनके काले कारनामों के बारे में भी खुलकर बताएंगे। तानाशाह मुख्यमंत्री की लिस्ट में नंबर एक पायदान पर हैं बंगाल की सीएम ममता दीदी। क्या मजाल है आपकी, कुछ भी आप इनके बारे में कुछ कह सकें। सामान्य नागरिक हों या फिर विधायक, अगर कुछ दीदी के विरोध में कहा तो पिटाई तो तय ही है और हत्या हो जाए आपकी तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर आप विपक्षी दल के नेता हैं तो भी पिटाई और जेल जाना तय है। यानी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दे रही है दीदी। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं के सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन क्या मजाल जो ये खबर सुर्खियां बन सके। मीडिया का पूरा प्रयास होता है कि इन खबरों को दबा दिया जाए। दरअसल कांग्रेस और लेफ्टिस्ट के साथ उनके सहयोगी दलों का मीडिया के एक बड़े वर्ग पर इतना प्रभाव है कि ये अपने समर्थित राज्य सरकारों की तानाशाही को जनता के सामने लाने देना नहीं चाहती। जंगल राज की इन खबरों को बेशर्मी से दबा दिया जाता है। यही नहीं, इन राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसी को भी काम करने में भयंकर अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। हालत का अंदाजा तो इसी से लगा सकते हैं कि बंगाल में जांच के लिए सीबीआई की टीम को ही वहां की पुलिस ने बंधक बना लिया था। बात अगर तमिलनाडु की करें तो वहां के सीएम स्टालिन को भी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ आम जनता से आलोचना के दो शब्द सुनने गंवारे नहीं हैं। आइए अब आते हैं काफी दिनों से तानाशाह बनने की हसरत पाले ये सीएम हर मंच से अपने हाथ में राज्य की पुलिस ना होने का दुख बयां करते थे। ठीक समझा आपने, बात यहाँ केजरीवाल की ही हो रही है। अब देखिए, जैसे ही वो पंजाब की सत्ता की चाबी पाए तो वो बौरा से गए हैं। कभी कुमार विश्वास पर तो कभी दिल्ली प्रवक्ता नवीन जिंदल पर। यानी उनकी जो भी आलोचना करता है उसकी वो पंजाब में एफआईआर दर्ज करवा कर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दे रहे हैं। इनकी बददिमागी का ताजा उदाहरण दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी है। केजरीवाल का फरमान क्या मिला, पंजाब पुलिस मुंह उठाकर बिना कोई नियम कायदे को फॉलो किए बस गुंडों की तरह पहुंच गई दिल्ली और एक आतंकी की तरह है, उन्हें गाड़ी में डालकर पंजाब की ओर चल दी। लेकिन इस अवैध गिरफ्तारी की खबर जैसे ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं को लगी तो आनन फानन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को रोक लिया गया। अब देखिए किस तरह से केजरीवाल की धूर्तता के चलते तीनों राज्य यानी पंजाब, दिल्ली और हरियाणा की पुलिस एक दूसरे के सामने आ गई। सवाल ये उठता है कि क्या ये निरंकुश मुख्यमंत्री संघीय ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं? क्या ये केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उन्हें तोड़ देना चाहते हैं, या ये निरंकुशता दिखाकर देश के ताने बाने को तोड़ देने की मंशा पाले हुए हैं? बहरहाल इनकी निरंकुशता को देखते हुए ये वक्त आ गया है कि केंद्र अपनी वास्तविक ताकत दिखाकर इनको कब्जे में लाए। नहीं तो इन्हीं से सबक लेकर अगर और राज्य भी ऐसी ही निरंकुशता पर उतर आए तो भारत के संघीय ढांचे पर बुरा असर पड़ना तय है।